नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर। अनूपपुर मानवताओं को शर्मसार करती हुई तस्वीर जो आज सुबह अनूपपुर जिले मुख्यालय में सभी ने देखी। एक कुत्ता जिला अस्पताल से एक विकसित नवजात को अपने मुंह में दबा करके रोड मिलाया और अपना निवाला बनाया। लोगों ने कुत्ते को बच्चे से दूर किया। इस पूरे मामले में अब जिला प्रबंधन का सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिला अस्पताल में हुई डिलीवरी और उसमें हुई लापरवाही के कारण आज स्थिति निर्मित कर रही है। इस अस्पताल प्रबंधन की इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि डिलीवरी के बाद नहीं बनती तो क्या शरीर को सही तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए ताकि कोई मासूम आवारा कुत्ता का निवाला न बन सके। एक तरफ मौजूदा सरकार जर्मदर बढ़ाने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रही है। सरकार बजट में भी स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नजर आ रही है, जिसके चलते सरकारी अस्पतालों को आधुनिक संसाधन से लैस किया जा चुका है ताकि मृत्यु दर पर कमी ला जा सके। जांच की बात है, जांच का विषय है कि बच्चे को कुत्ते ने मुंह में दबा करके जिला अस्पताल के अंदर से बाहर लाया तो क्या जिस ने भी इसको जन्म दिया, यदि बच्चा मृत भी रहा तो उसका क्रियाक्रम करना चाहिए कि नाली में उसको फेंकना चाहिए। यदि डिलीवरी के बाद अपने कुकर्म को छिपाने ने जिंदा बच्चे को मारकर जिला अस्पताल के कचरे में डाल दिया गया तो हालांकि ये पूरा मामला जांच का विषय है, लेकिन मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें अनूपपुर जिले की हैं जो दिल को दहला देने वाली स्थितियां पैदा करती हैं। सिविल सर्जन से इस पूरे मामले पे जब बात की गई तो मामले की पड़ताल कर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। अरस्ती जी क्या बोले? कौन? अरस्ती जी बोले भैया का नाम लेकर के भेज रहा हूँ उनको। हाँ, पहले तो इस मामले को क्या बोले? डॉक्टर राय, डॉक्टर परस्ते कोई नहीं उठाया, फिर डॉक्टर सोनी इंद्र से बात हुई तो तत्काल कमला गुरु को बताया होगा आपको। दिन लेट हो गया होगा क्योंकि अभी क्या उसकी बॉडी वो नहीं हुई, डिस्पोज नहीं हुई, समझे? ये तो हॉस्पिटल से निकलना है, इसको गर्भपात कागज में आपने रखा है। अरे आनंद, देखा आपने क्या, किस तरीके से बच्चे को एक जानवर लेके आ रहा था, क्या आप प्रत्यक्ष दर्शी थे, आपने सामने देखा है? मैं प्रत्यक्ष दर्शी था, मैं इंदिरा तिराहे से मार्केट की ओर जा रहा था तो मैं यहाँ पे हॉस्पिटल के गेट के सामने, ये गेट है यहाँ पे मैंने देखा तो गेट के बाहर एक कुत्ता लेके आया बच्चे को मुँह पे और वहाँ पे खड़ा होकर उसको नोच रहा था। मैंने देखा तो मैं पत्थर लेके दौड़ा, वो बच्चे को लेके, हाँ
मैंने जब देखा तो पत्थर लेके मैं दौड़ा कुत्ते के पीछे, तो कुत्ता बच्चे को लेकर के उधर भागा ट्रक के पीछे। फिर मैं गया और यहाँ पे ये माइकल वेयर है, ये गए साथ में। फिर हमने उसको कुत्ते को भगाया तो कुत्ता वहाँ पे पड़ा हुआ। नहीं तो कहाँ से लेके आपने, क्या देखा कि हॉस्पिटल? ये देखा कि ये जो सार्वजनिक शौचालय है, इस गेट से कुत्ते को बच्चे को लेकर, मतलब हॉस्पिटल है उसके पीछे, तो हॉस्पिटल से लेके आ रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर से ही लेके आया है बच्चे को। अब हॉस्पिटल फिर आप फिर क्या किया आपने, बच्चे को अंदर करवाया? बच्चे को फिर मैंने वहाँ पे रखवाया और उसके बाद डॉक्टर राय को फोन किया। कुत्ता, लेकिन कुत्ता से दवा के लाया था जी, कुत्ता दवा के लेके आया था। उस सर मैं ये बोला था कि एक जानकारी सर आपको लगी कि बच्चा बाहर एक कुत्ता लेके आया जिला अस्पताल के अंदर से, इसमें किस तरीके से जांच होगी, क्या होगी सर? अब पुलिस में हम सूचना देंगे, वहाँ से पुलिस वाले जांच करेंगे, वो अपने यहाँ भी करेंगे। प्राथमिकी क्या लगते हैं आपको कि हॉस्पिटल से बच्चा आना, क्या डिलीवरी हुई होगी, किसी ने छोड़ दिया होगा? तो पता करना पड़ेगा इसमें जी, किस तरीके से इसको सीरियस लेंगे सर मामले? नहीं अभी तुरंत जा रहे हैं, अभी सूचना मिली है फोन से जी, तो पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, फिर वो छानबीन करेंगे। सर क्या अपने यहाँ के CCTV कैमरे चालू हैं वहाँ? हाँ चालू है। तो क्या निकाले जाएंगे, उससे फुटेज पता कराया जाए? पुलिस जैसा चाहेगी उसमें जी, आपकी तरफ से रहेगा प्रयास जी।